सोफा में बैठो ना, टेबल बैठने की जरूरत है? अरे मेरी मर्जी, मेरा घर, मेरी टेबल, आपको क्या? गुड मॉर्निंग मुंबई, नहीं अब तो यूपी में है। तो गुड मॉर्निंग यूपी और मुंबई। पौने छः, ये इस पुच्ची पुच्ची का छोटा सा अलार्म है जो अपनी खोपड़ी पे रखती है, लेकिन उसमें नहीं लगाती है अलार्म, वो लगाती है मेरे मोबाइल में और मुझे ही जगाती है। और मेरी मम्मी देखो अभी सो रही है, उनको बहुत ठंडी लग रही है। मेरी मम्मी बोल रही है कि तुम बहुत दुबली भी हो गई हो, कुछ अच्छे से खाती पीती नहीं हो। बेटा मम्मी बोलो, अब क्या बोल रही हो? कह रही थी ना तुम खाती पीती नहीं हो अच्छे से, तुम दुबली हो गई हो। मेरी मम्मी देखो पब्लिक के सामने कुछ नहीं बोलेंगी, और उसके बाद जैसे ही कैमरा ऑफ हो जाएगा फिर मेरी मम्मी बोलना चालू करेंगी। फिर मेरी मम्मी को भी बंद कराना मेरी तरह बहुत मुश्किल होता है। अब आप बताइए कि मेरी शक्ल मेरी मम्मी से मिलती है कि नहीं मिलती है? और इधर देखो लकी का और बॉस का प्रोग्राम चालू हो चुका है, और खुशी जा रही है कोचिंग, और यश गुड मॉर्निंग, और मेरी भाभी अभी नींद में है। आज एक्चुअली इतने टाइम हम लोग को जगना नहीं था, ये खुशी की मेहरबानी है कि सबके सब जग के बैठ गए हैं। सब लोग जग गए, खुशी ने सबको जगा दिया। तो अभी जैसे कि टाइम अभी तो बहुत जल्दी है, हो सकता है हम सब लोग वापस से सो जाएं, क्योंकि हम सब बहुत आलसी परिवार से हैं। मेरे जाने के बाद हाँ वापस से सो जाएंगे। देख रहे हो ये मेरी पूरी फैमिली की सभा लगी, और हम सब लोग अभी बातें कर रहे थे। मैंने सोचा थोड़ा आप लोगों से भी बातें शादी कर वाला है, सुधारा कर क्या हो रहा है। अरे देखो दिक्कत, फीस है सबमिट करके आए। किसकी? यश की। अच्छा निकाला यश के स्कूल की फीस अभी जमा हुई है, अभी आए हैं। पूछ रहे थे कोई शिकायत तो नहीं करते हैं? कौन? यश। अरे उल्टा है क्या? टीचर कंप्लेन करते हैं तो उल्टा वो पूछ रहे हैं कि आपका बच्चा हमारी कोई कंप्लेन नहीं करता। आज मेरी भाभी ने बनाया था मूंग दाल की पकौड़ी, मुंगौड़ी बहुत टेस्टी थी, यम्मी यम्मी थी, हम लोगों ने खाया मजा आया। मुंगौड़ी बहुत टेस्टी थी, है ना? बहुत टेस्टी। नीरज के लिए तुमको बना खिलाती है भाभी? नहीं वो तो सुन रहे थे, बता रहे थे कि विनोद को तुम खिलाती ही नहीं, वहाँ नीरज को वहाँ पे बना के सुबह। ऐसा बोल रहे थे? ऐसा बोला उन्होंने? मतलब इनको बना बना के हम इतने साल से खिला रहे हैं, और वहाँ और बता बता रहे थे 10 बजे उठती है, साढ़े 10 बजे तो अच्छा दोस्तों आपको मैंने दिखाया है ना कि हम 6 बजे उठ के बैठ जाते हैं वहाँ पर, ये एक नंबर के झूठे हैं। अब चलना तो हम खिलाएंगे जो वहाँ बना बना के। क्यों झूठ बोलते हो भाई? हाँ जब उठ जाते हैं सुबह 6 बजे, 6 बजे उठ के हम अपने भैया को फोन करके बताते हैं हम बात। हम इसीलिए भाई हम कैमरा चालू करके बैठे, हमको पता है अकेला आदमी यहाँ का चार्ज होगा। बताओ मम्मी कैमरे में हम अच्छे हैं? कैमरा चल रहा है? चल तो रहा है, मगर हाँ। तुमको अगर तुमको तुम खुद जा दी थी वो नीरज ठीक है। अरे फालतू तुम्हें पूछ दिया। अरे तो आप पूछ रहे हैं, हम आपके साइड में हैं। देखो ये 6 बजे उठ के हमको नाश्ता मिल जाता था, कॉफी चाय। वाह जी हाँ मेरे शेर देखा। देखो बच्चे कभी झूठ नहीं बोलते, बड़े बड़े लोग फिर भी कभी कभी झूठ बोल देते हैं। हो सकता नीरज ने उनको कुछ रिश्वत दी हो। लक्की कौन उठता सुबह? बेचारी मेरी बुआ सुबह कोचिंग करने के लिए उठाती है अपनी नींद खराब कर। मैंने 5 बजे से उठाती हूँ, मैंने खुशी को उठाया था, ये हुआ था। अब यस देखो छोटा था, तेल काजल सब मैंने ही किया था, टीका तबका लगा दोस्तों अभी तक छूटा नहीं। तो झूठी वाले मैं ये चार लोग कैरम खेलने जा रहे हैं, लक्की यस खुशी कल्पना ये लोग कैरम खेलेंगे। मम्मी 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 भी खेलेंगे, मम्मी बैठो। मेरी मम्मी बहुत इंटरनेशनल चैंपियन है यार। तुम लोग तो कैमरे में 5 लोग कैरम में कैसे खेलते हैं? हम लोग खेल लेते हैं, हम टीम बना लेते हैं। आ जाओ किधर, दो लोग एक में हो जाते हैं। बेईमानी कर करके टीम बनाते हो। एक बार वो चलेगा, एक बार वो चलेगा। मैं इंटरनेशनल चैंपियन हूँ और मेरी मम्मी भी है, तो अभी देखना मैं कैसे शॉट मारूंगी। बुआ किधर बैठो, मम्मी मारेंगी ना। भाभी मेरी सब्जी की तैयारी कर रही है, भैया उनकी हेल्प कर रहे हैं, यश भी हेल्प कर रहा है, और सब पूरी व्यवस्था के साथ बैठे हैं, क्योंकि यहाँ पर कभी कभी लाइट भी चली जाती है।
जाती है। छोटा सा इन्वर्टर है लेकिन इसकी रोशनी बहुत कमाल की है। इसके सामने ये वाली रोशनी फेल हो जाएगी। तुमने कहाँ से ऐसा मंगाया है रजवी? इटली से मंगाया था। हाँ, इसकी रोशनी बहुत तेज है दोस्तों। अरे ये लाइट जैसे चाहती है ना दोस्तों, तो इसकी रोशनी जो है ना इसको फेल कर देगी। अभी रखा है इनको साड़ी का चूड़ी का बहुत क्रेज है मेरी भाभी को। अरे बहुत परेशान करती भाई। अभी थोड़ी देर पहले इन लोगों का भी हो चुका है नोक झोंक पता नहीं इस बात में, इसलिए भाभी थोड़ा सा देखो मुंह बना के बैठी। और देखो इधर लकी आ चुके हैं हमारे, वो देखो बॉस आ चुके हैं। बॉस जब भी आते हैं तो भाभी के पास ही बैठते हैं। अच्छा सब्जी कटा भी जा रहे हो। बॉस का यहाँ भी मन नहीं लगता है काम करने का, लेकिन कोई करने नहीं देता है। और यही देखो मेरी मम्मी आ गई है। हमको भैया ने बताया कि तुम सो रही थी, मम्मी तुम्हारी बहुत तारीफ कर रही थी। हमने कहा मम्मी सोते में क्या तो शरीर की हालत देख लो, हट्टे कट्टे है। यहाँ पर बुराई का सिलसिला चालू हो चुका है दोस्तों, तो यहाँ पर मैं कट कर देती हूँ। थोड़ा इन लोगों को पहले ट्रेनिंग दे दूँ कि कैसे कैसे मेरे बारे में अच्छा बोलना है, वापस से कैमरा चालू होगा। मेरी मम्मी कुछ तो स्टोरी सुना रही है, वही हम लोग सुन रहे थे। मैंने बोला आपको भी बता दूँ, लेकिन देखो आपके आते ही मम्मी चुप हो गए। अब मम्मी अपनी मम्मी अपनी खुफिया स्टोरी सबको नहीं सुनाना चाहती है, इनकी सारी स्टोरी बहुत खुफिया होती है। और इधर देखो हमने जैसे कि बताया था कि नीरज भाभी के बगल में ही बैठे। क्या बोल रहे थे कल का क्या प्लान करना है? हम ये बता रहे थे कि टेबल टूट जाएगी, टेबल बैठी इतने सोफे लगवाए यहाँ पे, सोफे में बैठो ना, टेबल बैठने को जरूरत है। अरे मेरी मर्जी, मेरा घर, मेरी टेबल, आपको क्या? मेरे को बहुत कुछ है, तुमसे कोई पैसे थोड़ी ले लेंगे। अच्छा कोई डर रहे हो कि मान लो तोड़ फोड़ डालेगी तो वैसा ना हो भैया हमारे नाम पे बिल फटे। मेरे भैया भी देखो बिजी रहते हैं, उनका भी चैनल है राजू द्विवेदी इंटरटेनमेंट चैनल, जिस समय उसकी एडिटिंग कर रहे हैं। कल एक बहुत अच्छा गीत आने वाला है ना दोस्तों, आप देखना, आप सुनना जा करके मेरी भाभी का भजन। मतलब क्या सुंदर आवाज है उनकी, जैसी वो सुंदर दिखती है ना, आपने देखी है अब उनको। अब उनका चैनल का नाम है राजू द्विवेदी इंटरटेनमेंट। मेरे फैमिली में बहुत लोग हैं, अभी ये सिर्फ आधे लोग हैं। आधे लोग जो है वो कैमरे में नहीं आते हैं, उनको शर्म आती है, तो वो आधे लोग काम चोर हैं इसलिए सामने नहीं आते। जो मेहनती लोग हैं वो देखो सारे सबसे जो फोकस देख लो, सबसे ज्यादा जो मेहनती है वो बिल्कुल कैमरे के सामने है। और जो इधर और इधर है ये लोग है मेहनती लेकिन मेरे टक्कर के नहीं है। सबसे ज्यादा मेहनती आदमी सो रहा है मेहनत करके। थाली हो चुकी है रेडी, और जैसे कि आप देख रहे हैं अभी हम लोग डिनर कर रहे हैं, और आप लोग भी आ जाइए, आप लोग भी आ जाइए डिनर करने के लिए, क्योंकि खाना बहुत ही स्वादिष्ट बना है। और जैसे कि आपको पता है कि कल तो खाया तो है नहीं, ऐसे आपने बता दिया। महक इतनी अच्छी आ रही है ना, ये भाजी की महक ऐसी होती है ना कि अगर एक घर में बनी 10 घर तक ही जाने वाली है महक, ऐसी रहती है, टेस्टी बहुत है ना। ये नीरज की पसंद की सब्जी है। सारा खाना जो भी बन रहा है ना दोस्तों वो इनके लिस्ट के हिसाब से बन रहा है। इन्होंने आते ही अपनी लिस्ट बता दी थी कि मुझे ये खाना है, ये इनको ये सब खाना जो ग्रीन वेजिटेबल्स होते हैं ना इनको बहुत पसंद है, तो वो इनकी लिस्ट के अकॉर्डिंग सब बन रहा है। यहीं से ब्लॉग को करते हैं बंद। डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल लकी फैमिली फन ब्लॉग।